वालेकुम सलाम। आ गई मेरी बहू माइक के घर में आराम करके। कुछ लेके भी आई हो या खाली हाथ माँ ने भेज दी है? मामा तो बहुत कह रही थी पर माँ जी मैं ही कुछ लेके नहीं आई। हमारे यहाँ बहू का खाली हाथ आना अच्छा नहीं समझा जाता। कहते हैं बहू की माँ बीमार हो जाती है। बस करे माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वो ही तो बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 50,000 रुपया मंगवा ले, वरना तुम्हें इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा करती हूँ मैं कुछ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? जी, मैं पहुंच गई थी कैटरी से। हाँ जी। अच्छा मामा, मुझे ना आपसे एक काम था। मुझे ना 50,000 की ज़रूरत पड़ गई अर्जेंट। आपको मैं एक अकाउंट नंबर सेंड करती हूँ, वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर दी। नहीं बस वैसे ज़रूरत थी मुझे। हाँ जी जी ठीक है, शुक्रिया। बहू बात सुनो। जी आज पता कौन सा दिन है? जी आज मेरी सालगिरह का दिन है। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, लेकिन खाली मुबारक से तो कुछ नहीं ना बनेगा। आप अपने मायके से मुझे गोल्ड का गिफ्ट मंगवा के दो। गोल्ड का गिफ्ट? हाँ गोल्ड का गिफ्ट, वरना पता है ना मेरे बड़े क्या कह गए हैं। फहद, आज माँ जी ने फिर मुझे अपनी बर्थडे का तोहफा सुना दिया है। जिस दिन से मैं मामा के घर से खाली हाथ आई हूँ, माँ जी उस दिन से मुझे तंज करती हैं और कुछ ना कुछ मुझसे मंगवाती रहती हैं। इस उम्र में कौन बर्थडे करता है? तो यार बर्थडे तो बंदा जिस मर्जी उम्र में कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फहद आप भी मेरे माँ बाप अपने प्यार से दे, अपनी खुशी से दे तो वो अलग बात है, पर मैं मंगवा नहीं सकती। आखिर कब तक मैं अपने घर वालों से पैसे मंगवाती रहूंगी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? यार मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे सास और बहू के मामले से दूर रखो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। दफ्तर में इतने काम होते हैं, मैं वो काम देखूं या तुम्हें देखूं? तुम्हें जैसे ठीक लगता है वैसे करो, मुझे इन मामला से दूर रखो प्लीज। क्या मतलब अच्छा माँ जी, वो ना हमारे यहाँ एक ना रस्म है शुरू से। क्या? जब भी ऐसी खुशी घर में आती है तो दादी अपने पोते के लिए सोने का झूला ऑर्डर करती है। सोने का झूला? दिमाग तो ठीक है तेरा। अच्छा माँ जी, हमारे यहाँ भी बड़े हैं और उनका कहना है कि अगर दादी अपने पोते के लिए सोने का झूला ऑर्डर ना करे तो वो मर भी सकती है। दादी मर जाएगी? ये बड़ों का कहना है। अभी तो मेरे बाल भी सफेद नहीं है और तू मुझे मारने का सोच रही है। मेरे बच्चे की इस दुनिया में आने से पहले उसकी दादी नहीं होगी। मैं अपने बच्चे को क्या मुंह दिखाऊंगी कि तुम्हारी दादी इस दुनिया से चली गई है? नहीं माँ जी नहीं। माँ जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर क्या करें हम? हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाय माँ जी, वो अजाले का क्या होगा? बहू अजाले को मारे गोली, यहाँ तो जनाजा निकला जा रहा है। मैं कुछ करती हूँ।
ठीक है माँ जी, पोते के लिए करती हूँ कुछ। जितनी हम खुद उनके लिए कर सकते हो। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाय दिस इज मी लीना खान। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें और कमेंट करें और प्लीज हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।